गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मित्र में। आज की न्यूज़ के साथ मैं काजल लोधवाल। लेकिन अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे दैनिक समाचार समय पर मिलते रहें। आवासीय स्कूलों में 241 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से देश में संचालित 22 आवासीय स्कूलों में शिक्षकों सहित अन्य रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने के लिए 2 दिवसीय साक्षात्कार सोमवार से शुरू हो गए हैं। 90% लाने वाले बढ़े तो क्या यूनिवर्सिटी में सीट्स बढ़ेंगी, पोस्ट काउंसलिंग सेशन। ऑनलाइन शिकायतों का आज निस्तारण, स्टेटस रिपोर्ट कल कोर्ट में। क्लैट ऑनलाइन परीक्षा में ए पर क्लिक करने पर बी ऑप्शन ले रहा था सॉफ्टवेयर। आरक्षित वर्ग में 15 गुना से ज्यादा बुलाए अभ्यर्थियों को बाहर कर दोबारा जारी करे रिजल्ट हाईकोर्ट। आरएस भर्ती 2013 का मामला। आवेदन पत्र में सामान्य कैटेगरी चयन किया एससी कैटेगरी में, कमिश्नरेट में कुक व स्वीपर भर्ती। आज शाम 4 बजे 10वीं सीबीएसई का परिणाम। सीबीएसई मंगलवार शाम 4 बजे 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी करेंगी। ऑनलाइन भर्ती परीक्षा की जारी हुई आंसर की पर उठे सवाल। आयु राजस्थान विश्वविद्यालय में हुई टीचिंग नॉन टीचिंग पदों पर ऑनलाइन भर्ती परीक्षाओं की जारी हुई आंसर की पर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारियों के 130 पदों पर होंगी भर्ती, 6 जून से आवेदन शुरू होंगे। आरपीएससी की ओर से कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के 130 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी ने वेतन कटौती वापस लेने के संकेत दिए। IIMU में 260 सीट पर होगी पीजीपी बैच की प्रवेश प्रक्रिया। इस वर्ष पीजीपी बैच के लिए प्रवेश प्रक्रिया 260 सीटों पर हुई है। पिछले साल के मुकाबले 20 सीटों की बढ़ोतरी इस वर्ष की गई है। नए सत्र में छात्राओं को स्कूटी वितरण की तैयारी में पता चला, अभी पिछली बार की 25% ही नहीं बटी। माध्यमिक शिक्षा में 2000 से अधिक व्याख्याताओं के तबादले। एक ही दिन में 2127 व्याख्याता इधर उधर, अब तृतीय श्रेणी शिक्षकों की सूचियों का इंतजार। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें।